स्वागत है आप सभी का YouTube साइनी चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जल्दी कंसीव करना है तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube साइनी को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली एक फर्टिलिटी को बूस्ट करने से, जल्दी कंसीव करने से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, शेयर करती हूँ, अपने अनुभवों को भी शेयर करती हूँ। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं, इन विषयों को भी आपके सामने लाती हूँ, तो जिससे कि बहुत सारी सहेलियां कंसीव कर रही हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए, इसीलिए इस चैनल को आप हमेशा देखें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कि वो टिप्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको हम अगर अच्छे से समझ लें तो कंसीव करने में हमें मुश्किल नहीं होगी, बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि हमको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, अपने मासिक चक्र को बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा कि वो पिछले 6 महीने से देखना है आपको कि पिछले 6 महीने में आपका पीरियड जो है वो रेगुलर है या नहीं है। रेगुलर है तो कितने दिन की साइकिल है, क्योंकि सबसे पहली बात यही होती है कंसीव करने के लिए कि पीरियड कैसा है। अगर पीरियड रेगुलर है तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती, लेकिन अगर पीरियड इरेगुलर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पीसीओडी, थायराइड, मल्टीपल हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं, उनके ऊपर मेरा वीडियो है। बहुत सारे रीजन होते हैं, एएमएच का इशू होता है, प्रोलैक्टिन का इशू होता है, इसके अलावा कुछ एंडोमेट्रोसिस, ओवेरियन सिस्ट, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, आपका वेट भी एक फैक्टर होता है, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं। तो आप चैनल के सभी वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर यूट्यूब सहेली इस वीडियो के नीचे आपको लिखा दिख रहा है, यूट्यूब सहेली को जब आप टच करेंगे तो आप सीधे चैनल पे चले जाएंगे और वहां पर जाके प्लेलिस्ट में वीडियोज को आप अच्छे से देखिए कि कौन कौन से वीडियो है और आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कौन सा है। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात थी कि आपको अपने मासिक चक्र को, पीरियड्स को देखना है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, इरेगुलर है तो ट्रीटमेंट कराना है उसका। दूसरी बात, अपना ओविलेशन ट्रैक करना है। ओविलेशन वो समय होता है कि जब एक महिला प्रजनन के लिए, गर्भधारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, उसके शरीर में जो एग बन रहा है उस समय रिलीज होता है ओविलेज से, और तभी गर्भ ठहरने की मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ओविलेशन का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे तभी आप कंसीव कर पाएंगे, ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरी बात, जब आपको ओविलेशन आपका समझ में आ जाए, आप ओविलेशन क्या होता है, कैसे पता करें, सिम्टम से कैसे पता करें, किट से कैसे पता करें, सब विषयों को मैंने कवर किया है, तो आप इसका वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ओविलेशन सबसे जरूरी चीज है कंसीव करने के लिए। तो ओविलेशन के दिनों में आपको डेली, जो 3 से 4 दिन का फेज एक मैं बताती हूँ, उसमें डेली आपको इंटरकोर्स रखना चाहिए। लेकिन एक एडिशनल बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत लोगों की साइकिल शॉर्ट होती है, किसी की लॉन्ग होती है, जो भी है, पीरियड खत्म होने से के दिन से, जिस दिन आपको पीरियड खत्म हुआ है उस दिन से लेके अगले पीरियड आने के 7 दिन पहले तक आप इंटरकोर्स रख सकते हैं, अल्टरनेट डेज रख सकते हैं, लेकिन ओविलेशन के दिनों में रोज रखें। तो इस तरह से करने से, इंटरकोर्स बराबर रखने से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान से भी गलती होती है, कभी कभी किट से भी गलती होती है। ओके, तो ओविलेशन अगर अच्छे से नहीं मालूम है तो आप अल्टरनेट डेज इंटरकोर्स रख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा अगली बात है कि आपको अपना वजन नियंत्रित रखना है, आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कंट्रोल करके रखना है। वजन बहुत कम नहीं होना चाहिए, वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपके हार्मोन प्रभावित होते हैं, आपके एग की क्वालिटी और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी प्रभावित होती है। तो वजन एक बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसे नियंत्रित रखें। इसके लिए आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पानी पिए, फल और सब्जी का बहुत अच्छे से उपयोग करें और जंक फूड से बिल्कुल भी दूर रहें। अगर हम कंसीव करने की बात कर रहे हैं तो प्रीनेटल विटामिन्स की बिना तो बात अधूरी है। प्रीनेटल विटामिन्स बहुत ही जरूरी है, जैसे कि फॉलिक एसिड है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B6 है, विटामिन ई है, इन सब का यूज आपको करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें मैं अपने चैनल पे वीडियोस हैं जिनमें मैं कुछ फूड आइटम्स बताया है मैंने कि उनको लेने से आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्राकृतिक तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, गोली खा के नहीं, दवाई खा के नहीं, नेचुरल तरीके से वो विटामिन और सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिनसे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बॉडी टोन होती है और प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। तो आप उन वीडियोज को देखिए और जानिए कि आपको उन चीजों को कैसे, कब, कितना खाना है। इसके अलावा प्रोटीन डाइट की बात अगर करते हैं तो कंसीव करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। अगर आपको थायराइड, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन डाइट कैसे ले सकते हैं, मेरे वीडियोस अगर आप नियमित देखते हैं तो आपको ये सारी बातें पता चलती रहती होंगी। इसके अलावा डाइट में टी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, टी पे मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो आप उसको देखें, उससे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो
खत्म हो जाती हैं उन टीज को लेने से। अगर आप मेडिसिन लेते हैं, बहुत महंगी महंगी दवाएं खरीदते हैं, उसके बजाय अगर आप नेचुरल चीजों से उन दवाओं में पाए जाने वाले तत्वों को बॉडी में ले लेते हैं, तो कितनी अच्छी बात हो सकती है कि आप प्राकृतिक तरीके से ठीक हो रहे हैं। तो उन चीजों को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। कंसीव करने वाले हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक्सरसाइज पे ध्यान दें। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल जिम करने लग जाएं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करने लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको वो एक्सरसाइज करने हैं जो आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करे और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करे। रिप्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो कुछ आसन और कुछ प्राणायाम जरूरी हैं। ठीक है, हर केस में अप्लाई नहीं होते, सब्जेक्टिव है बहुत। तो आपको फिर भी एक मोटा फिगर मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है, कपालभाति बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम करना चाहिए आपको, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया हुआ है। इसके अलावा भस्त्रिका कर सकते हैं। अगर पीसीओडी थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति और भस्त्रिका करने से आपको उसमें बेहतरी मालूम होती है, क्योंकि उससे हमारे ब्लड को बहुत अच्छा सर्कुलेशन मिलता है, उससे स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल होते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट रोल है, फर्टिलिटी के साथ में ही। अगली बात है कि स्ट्रेस, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपसे शेयर की है पहले, तो उसमें भी मैंने बताया कि किस तरह से स्ट्रेस को रिड्यूस करके, कई महिलाओं ने स्ट्रेस को रिड्यूस करके कंसीव किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप तनाव में हैं कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है और कैसे कंसीव होगा, इतना इलाज ले रही हूं, जितने साल बढ़ते जाते हैं ना उसके मल्टीप्लीकेशन में स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो आप इनसे बाहर आइए। स्ट्रेस आ गया लाइफ में तो कंसीव होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इक्वालिटी हैम्पर होगी और आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे। ओके, तो आपको मेरी ये बहुत जरूरी सलाह मैं कहूंगी कि आप इसे माने। बाकी चीजों में अप डाउन चल सकता है, स्ट्रेस तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रेस से बाहर आइए। इसके क्या तरीके हैं, पहले भी बता चुकी हूं और आज भी बता रही हूं। थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, म्यूजिक सुने, अपनी कुछ हॉबी है, क्रिएटिव काम जो होते हैं ना हॉबीज में, पेंटिंग, राइटिंग, ऐसा कुछ करें जिससे आप स्ट्रेस से बाहर आए। कुछ म्यूजिक सुने, इस तरह से आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी मात्रा में आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ओके, तो वो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स वो रिमूव हो जाते हैं। तो आपको पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। टिप्स भले ही बहुत आसान और छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस करके आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा अंतिम बात ये है कि अगर आपकी उम्र 30 साल तक की है तो आपको एक साल तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए, सारे टिप्स को फॉलो करते हुए मोस्ट ऑफ केसेस में कंसीव हो जाएगा। बट अगर आप 35 से भी ऊपर हैं और प्लस हैं, तो आपको 6 महीने नेचुरली ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर पीरियड वगैरह सब कुछ ठीक हो, नहीं तो आपको उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसके साथ जो होम रेमेडीज हैं, जो टिप्स हैं, ओवुलेशन ट्रैकिंग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनको एड ऑन जब आप कर देंगे ट्रीटमेंट के साथ में, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। हालांकि बहुत सारी महिलाओं को लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से आराम से कंसीव हो जाता है, इसकी रेट बहुत ही ज्यादा है, और लेकिन किन्हीं केसेस में हमको मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत होती है और वहां पे वो आपको लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी खास बातें जो कि आपको जल्दी कंसीव करने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। और जैसे कि अब तक के रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं इन टिप्स के, आपको भी इन टिप्स से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यूट्यूब सहेली के साथ बने रहिएगा, जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।